विराट कोहली कप्तान और श्रेयस अय्यर जो है वो ऑक्शन में आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सुबह ही हमने इस चीज़ की पुष्टि की थी कि विराट कोहली कप्तानी करेंगे आईपीएल 2025 में, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस पर मोहर लगा दी। हमारी पिछली वीडियो पे कई लोग ऐसे थे कि भाई तू बकवास करता है, ऐसे ही कुछ भी फेक कर रहा है, ये कर रहा है, भाई उन सब ने गालियां भी खूब दी, लेकिन विराट कोहली बतौर कप्तान जो है वो रिटेन हो रहे हैं। उनके साथ साथ मोहम्मद सिराज एकमात्र नाम और आ रहा है जो रिटेन हो रहे हैं, और यश दयाल जो मुझे लगता है जन अनकैप्ट रिटेन हो जाएंगे। इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करूंगा क्यों और कैसे विराट कोहली को कप्तान बना दिया गया है, और उसके साथ साथ श्रेयस अय्यर, जी हाँ बिल्कुल आईपीएल विनिंग कैप्टन श्रेयस अय्यर बाहर हैं, रिटेन नहीं किए गए हैं, पूरा जिक्र करूंगा। उनके पीछे उनके प्लेयर जो है, उनके जो एजेंट थे, उन्होंने बार्गेनिंग करी है कोलकाता नाइट राइडर्स से, और भाई साहब ऐसी बड़ी अमाउंट उन्होंने मांगी है 25 करोड़ के आसपास कोलकाता नाइट राइडर्स से, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं दे पा रही, जिसके चलते हुए वो रिटेंशन लिस्ट पे उनका नाम नहीं है। क्रिकबज ने भी ये कंफर्म किया है कि श्रेयस अय्यर जो है वो रिटेन नहीं हो रहे हैं। पूरा जिक्र करूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भाई साहब कैम ग्रीन की अपडेट सबसे पहले हमने दी थी कि आरसीबी में आ रहे ट्रेड होके, सारी अपडेट्स हमने दी थी। ऋषभ पंत हमने कहा था बहुत गालियां पड़ी ऑक्शन में आएगा, केएल राहुल हमने कहा था बहुत गालियां पड़ी, विराट कोहली बतौर कप्तान कल रात को इन्फॉर्म कर दिया था। खैर गिनवाने का समय नहीं है, जो रेगुलर व्यूअर हैं वो देख रहे हैं, लेकिन मैं आता हूँ श्रेयस अय्यर पे। श्रेयस अय्यर के साथ बार्गेनिंग चल रही थी भाई कोलकाता नाइट राइडर्स की, कि भाई कितने अमाउंट में उनको रिटेन किया जाए। 12.25 करोड़ में श्रेयस अय्यर जो है वो हिस्सा थे कोलकाता नाइट राइडर्स का, लेकिन 25 करोड़ के आसपास के अमाउंट उनके जो एजेंट थे उन्होंने मांगने की कोशिश की केकेआर मैनेजमेंट से, और ये भी कहा गया कि बाकी फ्रेंचाइजीज, जी हाँ बिल्कुल बाकी फ्रेंचाइजीज हैं, उन्होंने भी श्रेयस अय्यर को जो है ना कॉन्टेक्ट किया है। अब उनमें से बाकी फ्रेंचाइजी कौन हो सकती है, और ये भी कहा है कि इतनी अमाउंट अगर मैं ऑक्शन में जाऊंगा तो एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी है वो जबरदस्त तरीके से दे सकती है। हालांकि इस पे अब भी सवाल या निशान है कि कोई फ्रेंचाइजी ऐसे कैसे जो है ना इतनी बड़ी अमाउंट किसी एक प्लेयर को दे सकती है। खैर वो बाद की बात है, लेकिन जो टीम श्रेयस अय्यर को अगर लेती है आईपीएल में, तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही ग्रीन टिक है। वो टिक इसलिए है, श्रेयस अय्यर ना अब कॉन्स्टेंटली टीम इंडिया का हिस्सा रह रहे हैं, श्रेयस अय्यर ना ओडीआई टीम टेस्ट टीम किसी का भी हिस्सा रह पा रहे हैं, तो एकमात्र श्रेयस अय्यर जो है वो जबरदस्त ध्यान दे सकते हैं आईपीएल पे, और आने वाले समय में आईपीएल जो अब आपको 2 महीने का दिख रहा है वो 3-4 महीने का भी दिखेगा। तो यानी कि 1/3 ऑफ ए ईयर अगर आप वहां पार्टिसिपेट करवाते हो, तो किसी ना किसी भी टीम को एक ऐसा बंदा चाहिए जो भाई फुल फोकस होकर अपनी कप्तानी कर सके। और ये कई लोग कह रहे हैं बोल्ड मूव बाय केकेआर, मैं कहूंगा बोल्ड मूव बाय श्रेयस अय्यर, पहला कप्तान जो ट्रॉफी जीतने के अगले ही सीजन जो है ना ऑक्शन में आ रहा है। विराट कोहली पे वापस आता हूं। विराट कोहली 2021 में कप्तानी से हटे थे, उस समय कहा था कि 9 साल तक जो है ना जबरदस्त मैंने अपनी टीम के लिए खून पसीना बहाया है, अब कप्तानी नहीं, अब फाफ डुप्लेसी कप्तानी करेंगे। लेकिन अभी जब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, यानी कि उस पोजीशन पे कोई नजर नहीं आ रहा है आरसीबी मैनेजमेंट को, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है, स्पष्ट है वो कि अगर कोई कप्तान नहीं मिलता है तो मैं कप्तानी करूंगा, और मोस्ट प्रोबली केएल राहुल आ जाते हैं, श्रेयस अय्यर। इवन मेरा दिमाग तो ये कहता है कि आरसीबी इज वन ऑफ द फ्रेंचाइजी हु कॉन्टेक्टेड श्रेयस अय्यर बिफोर केएल राहुल। आपको बता देता हूँ, कई जगह आप देख पाओगे कि केएल राहुल को आरसीबी में, भाई वो थोड़ा उनका लोकल कनेक्शन है ना, कनाडी का है, कर्नाटका की टीम है, इसलिए थोड़े लोग बाग ये कह रहे हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। और विराट कोहली अगर कप्तानी करेंगे भी ना, तो उनके नीचे श्रेयस अय्यर खेल सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। कोलकाता नाइट राइडर्स आंद्रे रसेल को रिटेन कर रही है, नहीं कर रही है, सुबह भी हमने ये कहा था कि भाई उन पे जो है ना सवालिया निशान है कि आंद्रे रसेल को रिटेन करेगी नहीं करेगी। आखिरी 24 घंटे बचे हैं, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जब आप देख रहे होगे उसके बाद 24 घंटे ही बचे हैं, और तब आपको रिटेंशन पता चल जाएंगे, कौन बंदा किस टीम में कैसे रिटेन हो रहा है, इस बात की पुष्टि आपको हो जाएगी। ठीक है, वही बात रही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, हमेशा से एक फ्रेंचाइजी रही, फ्रेंचाइजी टू लुक आफ्टर, और आरसीबी फैंस के लिए तो हमेशा जो है ना इतना एक्साइटिंग। कल से जब से ये न्यूज़ आई है कि विराट कोहली बतौर कप्तान जो है ना वापसी कर सकते हैं, तब से बाकी सब रिटेंशन विटेंशन की न्यूज़, सब ट्रेड फ्रेड जो ये फेक न्यूज़ फैला रहे थे, सब चुप हो गए, हमें लोग फेक कहने लगे। लेकिन आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये पुष्टि कर दी है कि भाई विराट कोहली बतौर कप्तान वापसी कर सकते हैं आईपीएल 2025 में, क्योंकि कैप्टेंसी रोल में फाफ डुप्लेसी को रिटेन नहीं कर रहे हैं, और जब रिटेन नहीं कर रहे तो उनके पास ना रजत पाटीदार है जो कप्तानी कर ले, ना सिराज है जो कप्तानी कर ले, एकमात्र ऑप्शन विराट कोहली का बचता है। अगर वो विराट कोहली को एज ए कैप्टन मान के अपनी ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो एक जबरदस्त तरीके से ऑप्शन उनका जा सकता है, भले ही ऑप्शन में वो अय्यर को, पंत को, या केएल राहुल को जीत के ला सके, बट
वो है ना, एक स्टील बंदे को एक अगर कैप्टन मान के चलोगे कि भाई ये ना भी आए तो भी हमारी जो है ना नैया पार लग जाएगी, 18वां सीजन जर्सी नंबर 18 कप्तान और आईपीएल जीतेगी आरसीबी इस बार, ठीक है। फिर मैं चलता हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। जी हाँ, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि शुभमन गिल, मैं पिछले एक साल से कह रहा हूँ कि शुभमन गिल आ सकते हैं आरसीबी में। जब बातें चली कि शुभमन गिल को पहला रिटेंशन नहीं मिल रहा है गुजरात टाइटन्स में, शुभमन गिल 15-18 करोड़ में जो है ना वो रिटेन हो रहे हैं और 18 करोड़ में ही राशिद रिटेन हो रहे हैं, तो आरसीबी की नज़रें सबसे पहले शुभमन गिल पे थी कि शुभमन गिल को कैसे ना कैसे करके लिया जाए, क्योंकि शुभमन गिल फ्यूचर है भाई, वो ब्रांड है और किंग कोहली प्रिंस शुभमन गिल, तो जो है ना क्लियर है ये चीज़ें, क्लियर साफ आपको दिख जाएंगी ये चीज़ें, और ये आगे जाके नियर फ्यूचर में आप देखोगे कि शुभमन गिल आरसीबी की तरफ से खेलते नजर आएंगे। साल, दो साल, तीन साल, चार साल बाद जब भी ऐसा होगा ना, याद जरूर कर लेना कि रोहित भाई ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी। आपकी दीपावली बढ़िया जा रही है होपफुली, और ये अर्ली दीपावली गिफ्ट दे दिया है आरसीबी फैंस को विराट कोहली ने कप्तान की तरह वापसी करते हुए, लेकिन श्रेयस अय्यर ने खुद की दिवाली अच्छी की है जो ऑक्शन में आ गए हैं, और शुभमन गिल द मोस्ट सेल्फलेस क्रिकेटर जो कि वहीं रह रहे हैं और कम कीमत में वहां रह रहे हैं, कोई बात नहीं, ब्रांड ऐसे ही बनता है, प्लेयर ऐसे ही बनते हैं, और आएंगे ना जब जबरदस्त अमाउंट जो है ना वो ऑक्शन में ले जाएंगे, कभी भी आएंगे या ट्रेड में आएंगे, तो सबसे महंगा ट्रेड भी शुभमन गिल का ही होगा। खैर, आरसीबी फैंस अब तो खुश हो, दीपावली बनाओ, बढ़िया मिठाई विठाई खाओ, पटाखे वटाखे फोड़ो, खुशी का दिन है। विराट कोहली बैक एज कैप्टन इन आईपीएल 2025। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इसी तरह की हर न्यूज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। लाइव में भी मिलेंगे शाम को, जब तक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के तैयार बैठे रहे, जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, नमस्कार।